जब तक तू हार कर भी हार नहीं मानेगा, जब तक तू हार कर भी हार नहीं मानेगा, तब तक तू हार कर भी जीता हुआ माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अग्निपथ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत यूनिट टेस्ट का सोल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ से वहाँ पे आपको मिलेगी इस क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारा कंटेंट। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अ पर्सन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स अ चिमनी, कह रहा है कि एक व्यक्ति चिमनी की ओर 20 मीटर वॉक कर रहा है, टहल रहा है। देखते हैं, ये मान लेते हैं यहां रहा होगा व्यक्ति और ये है ऊपर चिमनी, ठीक है, ये चिमनी है हमारी, चिमनी की तरफ ये आदमी मान लो इस बिंदु से वो गया होगा, इस बिंदु तक पहुंचा होगा, कितना वॉक किया उसने, 20 मीटर वॉक किया। तो उसने देखा क्या, थ्रू इट्स बेस ऑब्जर्व दैट इट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री टू 45 डिग्री, कह रहा इस दौरान जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री से चेंज हो गया। कितना मान लो जाग के यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा होगा तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री के बाद ये हो गया 45 डिग्री। अच्छा, कह रहा हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी हम मान लेते हैं चिमनी की जो हाइट है वो h हो जाएगी। अच्छा, चूँकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल कितना है 45 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके आधार और लंब दोनों बराबर रहे होंगे। अगर ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, h। भाई 45 डिग्री का मतलब क्या है कि लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। तो हमने ये h माना था, ये हो गया tan 45 बराबर h बटे आधार, तो आधार भी बराबर आ जाएगा जब उसका मान 1 रखेंगे तो, ठीक है। अब लगा दिया जाए इस त्रिभुज में tan 30 लगा दीजिए, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि h बटे आधार, आधार कितना है पूरी भुजा यानी कि 20 प्लस में h, tan 30 का मान रखेंगे कि बटे अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस h इक्वल टू h अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3h लग दीजिए, इसको उधर भेज दिया जाए। अच्छा, ये आ जाएगा हमारा 20 इक्वल टू में आ जाएगा h लेंगे कॉमन तो आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, यानी कि अगर यहाँ से हम h का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 20 बटे में आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 प्लस 1 यानी कि इसकी कॉन्जुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 काट दिया जाए 10 आ जाएगा, यानी कि 10 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर है ना, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसमें हमारा, बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हुआ, करेक्ट हो गया। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 51 का। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, 52 52 में भी कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन, देखते हैं, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर ऑफ लेंथ 16 मीटर और 9 मीटर, दो पिलर है हमारे पास, एक कितना है 16 मीटर का है और एक क्या है 9 मीटर का है, दो पिलर यहाँ पे गिवन है। अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर्स, टू पिलर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इफ द टू एंगल, दो उनके बीच की दूरी कितनी है x मीटर, तो एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो दूरी है ना वो x मीटर दी गई है, ये और यहाँ के बीच की जो दूरी है वो x मीटर हमको गिवन है। अच्छा, एक की 9 मीटर है लेंथ और दूसरे की है, ये मान लो 9 मीटर हो गई और ये हो गई हमारी 16 मीटर, 9 मीटर और 16 मीटर, ये हो गई 9 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि इफ द टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दियर रिस्पेक्टिव टॉप्स फ्रॉम द बॉटम बॉटम, कह रहा है कि इनके टॉप से इनके बॉटम के बीच के जो एंगल हैं अदर आर वो है कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वो है क्या है पूरक कोण दिए गए हैं, मतलब कि इसके टॉप से इसके बॉटम का जो एंगल है और इसके टॉप से इसके जो बॉटम का एंगल है ना, बॉटम मतलब नीचे पाद, तो इन दो ये दोनों एक दूसरे का यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो चलिए
ये ले लेते हैं हम 90 माइनस थीटा और ये हमारा हो जाएगा थीटा। इन दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90, वही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वही पूरक कोण या कोटी पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, पहले तो इस त्रिभुज को उठा लीजिए, है ना, टेन थीटा वाला त्रिभुज उठाइए। तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है 9 और आधार कितना है एक्स। इसको समीकरण एक बना के चुपचाप छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के पास आइएगा, इस त्रिभुज में आइएगा 16 वाले में, 16 और एक्स वाले में देखते हैं। ये आ जाएगा कॉट टेन, टेन लगाइए 90 हो जाएगा और एंगल कितना दिया 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो गया बराबर। लंब कितना है 16 और आधार कितना है एक्स। अच्छा, ये टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 16 बटे एक्स। पलट दिया जाए वैल्यू को, टेन कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा अगर लिखेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी ना, एक बटे टेन थीटा लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स बटे 16। अब समीकरण एक और समीकरण दो की कंपेरिजन किया जाए, तुलना किया जाए। समीकरण एक और समीकरण दो से देखिएगा, टेन थीटा बराबर 9 बटे एक्स है, टेन थीटा बराबर एक्स बटे 16 है, यानी कि ये आ जाएगा 9 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 16, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 52 में यानी कि 52 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 में बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 52 का बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 यानी कि 53। कह रहा है एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी है, 300 मीटर है ना। दोनों के बीच की दो मकान है हमारे पास, उनके जो बीच की दूरी है वो 300 मीटर दी गई है। देखते हैं, तो एक मकान हमारा हो गया, ये हो गया, और एक मकान ये हो गया। तो हमें वायुयान की ऊंचाई निकालनी है, हम वायुयान की ऊंचाई निकालेंगे। एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी, चलो एक ये ले लेते हैं, न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी जो है वो कितनी है, 300 मीटर है। देखते हैं, एक मिनट, अब देखिए दो वायुयान हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी की वो बात कर रहा है, यानी कि कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए। अब करते हैं इनके दोनों के बीच की दूरी, कम दूरी लगाते हैं। भाई एक पॉइंट ये ले लीजिए यहाँ पे और एक पॉइंट ये ले लीजिए, दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर की दूरी पे हैं दोनों मकान। अच्छा, यदि वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अनुमन कोण, अब मान लो वायुयान यहाँ पे है, व्यक्ति देख रहा है, तो दोनों मकान विपरीत दिशा में स्थित हैं, एक इधर स्थित है एक इधर स्थित है। ठीक है, उसको कह रहा है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है इस दौरान, एंगल ऑफ अनुमन कोण की वो बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिपर्शन कितना दिया गया है, एक दिया गया है 45 डिग्री। तो मान लेते हैं ये भी हो जाएगा 45, है ना, दोनों क्या होते हैं भाई, ये जेड वाले कोण जैसे बनते हैं, दो समांतर रेखाएं काट रही, दोनों का एकांतर कोण होंगे। अच्छा, इधर देखते हैं, इधर जो है दूसरे वाला जो मकान है उसकी साइड जो अनुमन कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है, ये 60 है और ये भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो हमें वायुयान की ऊंचाई बतानी कि कितनी होगी, तो ये हमारा वायुयान है और इसको मान लीजिए एच, ये ऊंचाई हमको बतानी है। देखते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला, टेन 60, एक काम करेंगे छोटा सा, इसे एक्स ले लिया जाए। अब एक बात पता, देखिए मैंने बताया ना 45 है ये, तो इस त्रिभुज में आ जाओ, ये 45 है तो ये भी एच हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एच, क्योंकि हमें पता है कि आधार और लंब बराबर होंगे तभी 45 होता है, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसको आप मान लीजिए एक्स, इसमें लगा दीजिए टेन 60, तो ये हो जाएगा टेन 60 इक्वल टू लंब बटे आधार एच बटे एक्स। टेन 60 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 इक्वल टू एच बटा एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एच बटे अंडर रूट 3। अच्छा ठीक है, हमें एक्स बराबर पता चल गया कि एच बटे अंडर रूट 3 है। अब देखिए एक रिलेशन देखिए, ये एच प्लस एक्स, ये पूरी भुजा कितनी है, 300 मीटर कितनी है,
300 मीटर, और देखिए यहाँ पे H प्लस एक्स, 300 मीटर में कौन कौन सम्मिलित है, X मिल एच है और X है, देखो ये वाला H है और ये X है, तो H प्लस X, हमें H चाहिए तो X का मान यहाँ पे उठा के रख लिया जाए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H प्लस कितना H बट्टे अंडर रूट 3, और इधर कितना है 300, तो ये आ जाएगा 300 इक्वल टू, भाई एलसीएम लेंगे H ले लेंगे कॉमन, H लेंगे कॉमन यहाँ पे और एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, यानी कि अगर हम H की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहें तो H इक्वल टू आपको मिलेगा, H इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 3, अब बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कर दिया हमने, ये कितना आ जाएगा भाई, देखो इधर 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से ही से काट देंगे तो ये आ जाएगा 150, अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1, ये प्लस भी है माइनस भी हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 बचेगा, 2 से हमने काट दिया तो कितना आ गया ये, अब आ गया ये 150 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 माइनस 1, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 53 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो मकान की ऊंचाई होगी, वायुयान की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, H होगी, है ना, H हो जाएगी, ठीक है, H और H की वैल्यू कितनी आ गई, 150 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, 54 कह रहा है कि P1 P2 P3 आर द परस्पेक्टिव द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द अपोजिट साइड्स, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये है, ये है, ये एक ट्राइंगल है और कह रहा है जो P1 है ये P1 हो जाएगा, वो लेंथ है हमारी परपेंडिकुलर है, ये P1 हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो P2 हो जाएगा, ये P2 लेंथ दी गई है और इसकी जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब खींचा गया लंब, ये जो हो जाएगी वो P3 हो जाएगी, P1 P2 P3, अच्छा इसके सामने की भुजा का नाम दे दें A, इसके सामने की भुजा का नाम दे दें B और इसके सामने की भुजा का नाम दे देते हैं C, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये निकालना है, तो देखिएगा हमें एक बात पता है कि हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, अब एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी त्रिभुज का निकाल रहे हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मान लो ये निकाल रहे हैं तो आधार हमारा A है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी P1, ठीक है, इसी तरह से इसका क्षेत्रफल और एक निकाला जा सकता है, डेल्टा इज इक्वल टू देखो इधर ये हो जाएगा आधार कितना है बी, आधार कितना है बी, बी और P2 है ना, शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, और इसी तरह से निकाला जा सकता है 1/2 सी इंटू P3, हमने तीनों क्षेत्रफल निकाले हैं और वो तीनों क्षेत्रफल इसी त्रिभुज के हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 का मान चाहिए, हम यहाँ से अगर P1 निकालना चाहेंगे तो देखिएगा पहले वाले से P1 कितना मिल जाएगा, P1 बराबर, तो P1 बराबर मिल जाएगा कितना, एक तो हमको मिल जाएगा 2 डेल्टा, दूसरा बटे A आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो 1/P1 कितना हो जाएगा, चूंकि हमें वैल्यू निकालनी है, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, तो 1/P1 इसका हो जाएगा 1/2 डेल्टा, 1/2 डेल्टा, अच्छा इसी तरह से 1/P2 निकाला जा सकता है, वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 डेल्टा आ जाएगा, 2 डेल्टा, और इसी तरह से P3 निकाला जा सकता है, वो आ जाएगा 2 डेल्टा, हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, देखते हैं किसके बराबर होगा ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, जोड़ दिया जाए सबको, ये आ जाएगा a प्लस, देखो a प्लस a बटे दो लेम दो डेल्टा, b बटे दो डेल्टा, c बटे दो डेल्टा, तो ये आ जाएगा ऊपर a प्लस b प्लस c बटे 2 डेल्टा, अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b प्लस c क्या होता है, 2s होता है, 2s मतलब पेरीमीटर होता है, तो 2 डेल्टा हो गया, 2 डेल्टा, 2 से 2 काट दिया जाए, देखिए अब हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, 1/r के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि r बराबर होता है डेल्टा अपान s, ये s अपान डेल्टा है, तो इसलिए 1/r हो जाएगा, है ना,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप 54 का जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 54 में बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। अच्छा अभी देखिए बातचीत हो ही गई हमारी पूरी ना P1 P2 P3 के बारे में। हमने P1 का मान निकाला था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, P1 का मान कितना आया था, P1 इक्वल टू आ चुका था हमारा 2 डेल्टा अपान ए। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू, हम पूरा निकाल ले रहे हैं, हमें निकालना है P1 इंटू P2 इंटू P3। तो ये पहला क्या हो गया भाई, ये हो गया 2 डेल्टा अपान ए इंटू ये 2 डेल्टा अपान बी इंटू 2 डेल्टा अपान सी। ये आ गया कि नहीं, अभी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो देखिएगा इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 8 डेल्टा क्यूब बटे ए बी सी। अब उत्तर में हम देख रहे हैं कि डेल्टा को उसने हटाया है ना, तो R कैपिटल R लाया है, तो एक कैपिटल R के साथ रिलेशन होता है, R इज़ इक्वल टू होता है ABC/4 डेल्टा, है ना। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा निकालेंगे तो वो आ जाएगा ABC/4R, तो ये हो जाएगा 8। तो हमें डेल्टा को हटाना है, तो डेल्टा के एक तो पहले तो ये रख दीजिए, 8 बटा में आ जाएगा ABC, और जहाँ पे हमारा डेल्टा है वहाँ हम रख सकते हैं क्या, ABC/4R और उसकी घात में कितना, 3। तो ये आ जाएगा 8/ABC इंटू ये आ जाएगा A^3, B^3, C^3 बटे ये आएगा 64R³। 8 से काट दिया जाए, 8 × 64 हो जाएगा, ABC को काटेंगे तो ऊपर स्क्वायर बचेगा बस, यानी कि A²+B²+C²/8R³, है ना, A²+B²+C²/8R³। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन जो है 55 का करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। क्रैक इन ट्राइंगल कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये हमको बताना है। देखिएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये 56, है ना। देखते हैं, एक काम करते हैं ना, हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको अगर हम ले लें, है ना, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में सेटिस्फाइड कर दें, अगर जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है भाई, एक तो जो तीनों कोण होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 60 अंश के होते हैं, और तीनों भुजाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। और क्या होता है, अगर स्मॉल आर की बात करोगे, अंतःवृत्त के त्रिज्या की बात करोगे, तो ये याद होने चाहिए हमको, तो ये होती है A/2√3, और इसकी परिवृत्त की त्रिज्या की बात करो तो ये आती है A/√3, इतना होता है, ये याद रखना है हमको। चलिए हमको वैल्यू किसकी निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। देखिए सबकी जगह पर जब आप 60 रखेंगे तो 3 cos 60 के बराबर हो जाएगा। 3 cos 60 का मतलब कितना हो गया, 3 × 1/2, इसका मतलब हो गया 3/2, 3/2 हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, पहले तो कैपिटल R बटे स्मॉल R ये ऑप्शन निकाला जाए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+। देखिए कैपिटल R कितना है, a/√3 में भाग देंगे a/2√3, तो ये क्या बचेगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास, एक तो दो चीज़ें निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक आप निकाल लो R/R निकाल लो काम आएगा, तो ये आ जाएगा a/2√3, अब बटे में आ जाएगा a/√3, दोनों काट देंगे, ऐसे a कट जाएगा तो ये तो 1/2 आ जाएगा, और कैपिटल R/r कितना आ जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा 1, 2, यानी कि 3 आना चाहिए, इसके हिसाब से 3 आना चाहिए आंसर, नहीं लेकिन आंसर हमको क्या चाहिए, 3/2। इसके साथ आ जाओ 1+ R/R की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, कितना आ गया, ये 3/2। अब ऐसा भी हो सकता है किसी और ऑप्शन में भी आ जाए इतना सेम, अच्छा इसके पास देखो तो ये आ जाएगा 1 − 2, तो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाओ 1 − 1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या था, 3/2, 3/2 कौन सा ऑप्शन दिया हमको, 3/2 हमको बी वाला ऑप्शन दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन 56 में करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, एक कह रहा ट्राइंगल ABC है हमारे पास जिसकी भुजाएं वगैरह सब कुछ दी गई हैं, लेकिन हमको बस वो एक बात बताना, एक बात बता गया
इस ट्राइंगल को देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि इसकी जो भुजा कोण बी जो है वो 90 अंश का है ना। कितना है ये? 90 अंश का है। और बी के सामने की भुजा जो है वो 13 है, और ये मान लीजिए सी है हमारी, सी 12 हो गई, और ए जो है वो 5 है ना। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए कोण बी बराबर क्या होगा? 90 अंश होगा। कोण बी बराबर 90 अंश हो गया। यहाँ पे कोण बी कितना हो गया? 90 अंश हो गया। हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? हमको वैल्यू निकालनी टेन बी बाई 4। ये क्लियर हो गया ना भाई? इसमें सबसे बड़ी भुजा है 13, 13 का वर्ग 169, 25 प्लस 144 169, यानी कि ये क्या है हमारा? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बी के सामने का कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, तो बी बराबर 90 अंश हो गया। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू हमको निकालनी है टेन बी बाई 4 की। टेन बी बाई 4 का मतलब यहाँ पे लिखा जाए तो 90/4। 90/4 का मतलब हो गया पहले आधा हुआ, फिर आधा यानी कि 22.5। हमें किसका मान निकालना है? टेन 22.5 अंश। और टेन 22.5 अंश का मान आपको याद रहे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं आ रहा तो फिर आप इसको टेन 22.5 को आप 45/2 करके आप इसे कन्वर्ट करिए। टेन 45 का सूत्र लगा के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल करिए, ठीक है? तो टेन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? √2 - 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 57 का जो डी है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 यानी कि 58। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC का परिमाप उसके कोणों की जा। एक त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप का मतलब क्या होता है? A+B+C=। कह रहा है उसके कोणों की जा के समांतर माध्य। तो इसका समांतर माध्य पहले निकालो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 हो जाएगा। तो ये कोणों की ज्या का समांतर माध्य हो गया। कह रहा है इसका 6 गुना है। कौन? परिमाप। तो परिमाप तो हमने ले लिया, इसका 6 गुना कर दीजिए। कर दिया, 3 × 3 = 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। फिर क्या हो गया ये? फिर कह रहा है A+B+C=। यहाँ पे ए की जगह साइन ए की जगह पे ए के रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 × कितना? A+B+C=। ये सूत्र पढ़ा है ना साइन रूल का? साइन रूल होता है हमारा, क्या हो जाएगा? साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी हो जाएगा, और साइन सी बटा सी हो जाएगा। ये बराबर किसके होता है? के। तो हम साइन ए की जगह पे ए के, बी की जगह पे बी के, सी की जगह पे साइन सी की जगह पे सी के रख सकते हैं। रख दिया हमने, तो आ जाएगा A+B+C=2K, और आ जाएगा A+B+C। तो इन दोनों को काट दिया जाए, K बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। K का मान 1/2 आ गया। हमको अब निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ से एंगल A। तो ये वाला रेशियो ले लीजिए, हमने अभी पढ़ा ना साइन A बराबर क्या होता है? AK साइन A इक्वल टू कितना? A कितना दिया गया है? देखो A की वैल्यू उसने 1 दे दी है, 1 × K की वैल्यू 1/2, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन A बराबर 1/2। इट मीन्स साइन A बराबर 1/2 किसका मान होता है? π/6 का, ठीक है। तो A बराबर कितना आ गया भाई? π/6 आ गया, मतलब 30 अंश आ गया। 1/2 साइन का होता है मान, साइन 30 का, तो π/6 आ जाएगा। 58 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि अगर इसका एंगल ए इतना है, एंगल बी इतना है, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस इसकी। अब देखिएगा, अगर इसका जो एंगल ए है वो हमको दिया है 45 डिग्री, और एंगल बी जो है वो 75 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। यानी कि जो कोण सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये हमको कोण सी मिल गया 60 डिग्री। अब लगा दिया जाए यहाँ पे साइन रूल। साइन रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? ए बटे में आ जाएगा साइन 45 बराबर, बी के बटे में आ जाएगा साइन 75, और सी के बटे में आ जाएगा साइन 60। अब इनके सबके मान रखे जाएँ, ठीक है, रखते हैं माइनस साइन। साइन 45 का मान 1/√2 आएगा, 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा √2a बराबर। और साइन 75 का मान रखेंगे, साइन 75 का मतलब cos 15,
कॉस 15 का मान होता है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2, मतलब 2 अंडर रूट 2 ऊपर गया, 2 अंडर रूट 2, और ये नीचे रहेगा कितना, अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू साइन 60। अंडर रूट 3 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटे अंडर रूट 3 सी, ऊपर सी हो जाएगा, तो 2 बटे अंडर रूट 3 सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों रेशियो हो गए, हमको क्या चाहिए, ए और सी के मान निकाल के दोनों को जोड़ देना है, वो ऐसा कह रहा है। ए निकालिए, इन दोनों से निकालिए, ये अनुपात हमारा फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो आप फर्स्ट और सेकंड से उठाइए, फर्स्ट और सेकंड वाला अनुपात उठाइए, कितना दिया है, अंडर रूट 2 ए इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 बी बटा अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 काट दीजिए, यानी कि यहाँ से हमको मिला b इज इक्वल टू कितना, 2b, a इज इक्वल टू मिल गया 2b बटा में अंडर रूट 3 प्लस 1। एक तो ये मिल गया, दूसरा सेकंड और थर्ड से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2b बटे आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, और ये आ जाएगा 2c बटे अंडर रूट 3। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, काट दिया हमने ना, यहाँ से c अगर हमको निकालना है तो c कितना आ जाएगा, एक तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 बी, और बट्टे में यही रहने दीजिए अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा c। अच्छा, ये c की वैल्यू मिल गई, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे प्रश्न में हमको वैल्यू निकालनी है a प्लस सी अंडर रूट 2 की। ठीक है, a कितना आ गया है, a दिया गया है हमको 2b बट्टे में अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस, और देखिए c कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा अंडर रूट 2, इसमें मल्टीप्लाई भी करना है तो अंडर रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 12 बी बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 4 3 12, यानी कि ऊपर से 2b कॉमन हो जाएगा, आराम से 2b कॉमन लिया जा सकता है, 2b लेंगे कॉमन तो यहाँ 1 बचेगा प्लस, और देखो 4 3 12 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, 2 निकल गया बाहर तो अंडर रूट 3 यहाँ बचा, और डिवाइड में आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या 2b। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 59 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC R1 R2 R3 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक बात याद रखेंगे, इसे हम इस तरह के जो प्रश्नों को जहाँ पे R आएगा, कैपिटल R आएगा, R1 आएगा, R2 आएगा, R3 आएगा, तो एक रिलेशन मेरा याद रखेंगे, ये काम कर जाएगा। देखिएगा, एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वर्क करेगा, सिर्फ जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वहाँ पे ये वर्क करेगा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसकी तीन भुजाएं ले लेते हैं, एक भुजा ले रहे हैं हम क्रम से, तो ये एक बात याद रखना है हमको, 2 R1 बराबर याद रखेंगे, R1 बराबर होता है 2 R2 बराबर होता है 3 R3 ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया R1, अब हमें क्या करिए, यहीं से शुरुआत करिए, तो ये C की वैल्यू यहाँ होती है 3, ठीक है, और B की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, और A की जो वैल्यू होती है वो होती है 5। ठीक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, देखो 3 4 5 भुजाएं हैं ना, ये लिए R3, C से शुरुआत कर दीजिए, फिर लौटते आइए, B का मान 4 लीजिए, A का मान 5 लीजिए। अच्छा, अब इन यहाँ पे प्रोपोर्शन वैल्यू निकाला जाए, देखिएगा यहाँ पे R1 जो आ जाएगा, R1 आएगा, LCM लेंगे, 2 और 3 का 6 आएगा, भाग दीजिए सबसे 6 में भाग दे दीजिए, तो R1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, और R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और R3 की जो वैल्यू आ जाएगी प्रोपोर्शनल वैल्यू वो 2 आ जाएगी। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, एक R1, एक R2, एक R3 कह रहा है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो एक बार हम देख लेते हैं, तो इन्हीं R1, R2, R3 के लिए जो भुजाएं आती हैं वो क्या आती हैं, 5 4 3 आती हैं। तो कह रहा है कि ये हम देख लेते हैं कि जो R1 है, R1 और R2 और R3, ये कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि HP में है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या सच में HP में है। तो हमारा क्या है, R1 क्या है 6 है, और ये क्या है 3 है, और ये क्या है 2 है, देखते हैं HP में है कि नहीं। HP में होने के लिए क्या होगा भाई, है ना, इसका जो हार्मोनिक मीन है यानी कि HM है, यानी कि HN मतलब कितना है, वो 3 हो जाएगा, बीच वाला होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है, वो HM हो गया, और क्या हो जाएगा 2 into AB, तो 6 और 2, तो ये हो गया 6 गुणे 2 बटे A प्लस B, यानी कि 6 प्लस 2 यानी कि 8,
कितना आना चाहिए, अगर तीन आ जाता तो हार्मोनिक में मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 6 चौक 24, या काट दीजिए इसको, 6 चौक 24 हो गया और 24 बटे 8 हो गया, 8 एक 9 8, 8 3 24, तो देखिए दोनों आ गया 3 बटा 3, मतलब कि जो यहाँ पे R1 R2 R3 है यानी कि 6 3 और 2 जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, और इन्हीं के लिए हमारे पास ABC कितना निकल के आया, ABC आया 5, तो भाई ABC यानी कि 5, 4, 3 जो है वो किस में हैं, वो हैं AP में, किस में हैं AP में हैं। अगर R1 R2 R3 यानी जिनकी वैल्यू हमने निकाली वो 6 3 2 हैं, तो क्या होगा 5 4 3 ये AP में होंगे, यानी कि R1 R2 R3 अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो ABC किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, यानी कि 60 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। कह रहा है कि एक n भुजाओं वाले सम बहुभुज m भुजाओं वाले सम बहुभुज जिसकी भुजा a है के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त की त्रिज्याओं का योग, हम ले रहे हैं भुजाओं की संख्या। सम बहुभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं हम सम बहुभुज ले रहे हैं, बहुभुज तो बहुभुज होता है, तो हमने ले लिया a, मतलब कि ये हमने एक ले लिया सम बहुभुज का जिसका नाम है समबाहु, क्या नाम है समबाहु त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का योग, तो एक काम करते हैं पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी होती है इसकी, अगर भुजा a होती है तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, तो इन दोनों को हल कर लिया जाए, वो कह रहा है दोनों का योग, तो स्मॉल r और कैपिटल r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a/2√3 प्लस a/√3। एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं a+√3 को, ये कितना आ जाएगा 1/2+1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा a/√3 और ये हो जाएगा 3/2, काट देंगे √3 है, ऊपर वाले को √3 को √3 रखेंगे, तो ये आ जाएगा a√3/2। अच्छा अब वो ऑप्शन जहाँ पे n का मान 3 रख दिया जाए, और n का मान 3 रखा जाए, तो अगर कोई ऑप्शन हमको a/√3 दे देगा तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा, रखा जाए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखा जाए ये वाला, ये कितना हो जाएगा a/4, n का मान 3 रखेंगे ना तो cot π/6 हो जाएगा, cot π/6 का मतलब कितना हो गया cot 30, और cot 30 का मान क्या होता है √3 है ना, √3 ही तो होगा, यानी कि कितना आ गया √3 a, ये कितना हो गया √3 a/4, ये तो नहीं होगा, इसके पास आइए ये आ जाएगा a π/3, n का मान 3 है, n बराबर कितना है 3, n क्या भुजाओं की संख्या, n का मान 3 है, तो रखा भाई जाए भाई π/3 मतलब 60 का मतलब कितना हो गया 1/√3, यानी कि ये आ जाएगा a/√3, इसके पास चलते हैं ये आ जाएगा a/2, और ये कितना हो जाएगा π/6 का मतलब √3, π/6 का मतलब क्या हो गया cot π/6, √3 हो जाएगा उसका मान, अरे cos 60 cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3, तो a√3/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यही तो लाना है हमको, तो ये सी वाला ऑप्शन दे तो रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों मैच हो गए, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में जो C बराबर दिया गया है वो हमको दिया गया है π/2, एंगल C बराबर 90 अंश दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी हुई थी, तो अगर एंगल C बराबर जो है वो π/2 दिया गया है, 90 अंश दिया गया है, 62 की हम बात कर रहे हैं, तो करते हैं इसको हम भी आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, मान लेते हैं कि 90 अंश है, तो एक 90 अंश का त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज एक ले लीजिए, ये हो गया हमारा C है ना 90 अंश, तो ये C हो जाएगा, और C के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण हो गई, उसे हमने 5 ले लिया, ठीक, और एक हमारी 3 हो जाएगी, मान लो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, और B के सामने की भुजा 4 हो जाएगी, ये हम अपने से लेट कर रहे हैं, दिया नहीं है कहीं, ठीक, हमने ले लिया भाई, हमने एंगल देखा कि सी बराबर π/2 90 अंश है, तो हमने सी को 90 अंश लिया, समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। अच्छा, इस दौरान इसके जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी,
वो क्या होगी भाई, स्मॉल आर बराबर क्या होता है, डेल्टा अपान एस, डेल्टा अपान एस। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, देखो एक बटे दो तीन गुड़े चार है ना, एक बटे एक बटे दो गुड़े बारह यानी कि छः आ गया, छः इनका सबको जोड़ लो तो ये हो जाएगा पाँच तीन आठ चार बारह बटे दो छः, वो भी आ जाएगा छः बटे छः, यानी कि डेल्टा का मान आर का मान कितना आ गया, वन आ गया। कैपिटल आर देखिए परिवृत्त की त्रिज्या, आपको पता है कि जो परिवृत्त होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है ना, किसी समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, तो ये आ जाएगा पाँच बटे दो। तो हमसे कह रहा है कि अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का योग, त्रिज्याएं कैपिटल आर हो तो हमको ये निकालना है, देखिएगा भाई तो हमको निकालना क्या है, टू इंटू आर प्लस आर, तो आ जाएगा टू इंटू आर कितना दिया गया है एक, और ये कितना दिया गया है पाँच बटा दो, ये कितना आ जाएगा टू इंटू सात बटा दो, दो से दो काट दें कितना आया सात आ गया, ठीक है सात आ गया। अच्छा अब देखिए चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन हमको सात दे देगा वो करेक्ट हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना है तीन प्लस चार, ये तो सात दे दिया और आगे देखते हैं कोई दूसरा तो नहीं दे रहा, बी प्लस सी, बी और सी को जोड़ेंगे तो नौ आएगा, सी प्लस ए, सी और ए को जोड़ेंगे तो आठ आएगा, और इन सब को जोड़ेंगे तो बारह आएगा। हमें क्या चाहिए, जो ऑप्शन हमारा सात दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 62 का जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 में हमसे कह रहा है कि डेल्टा इज इक्वल टू दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर देन द टेन ए, टेन ए का मान क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू दिया है हमको ए स्क्वायर माइनस का बी माइनस सी का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है ना, देखिए यहाँ पे तो ए प्लस हो जाएगा बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। अच्छा देखिए ए प्लस बी की जगह पे हम रख सकते हैं, एक बात हमको पता है कि 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, वो रख सकते हैं हम 2s माइनस सी, यहाँ पे हमने रख दिया 2s माइनस सी, ठीक है 2s माइनस सी और एक माइनस सी पहले से है, और यहाँ पे a प्लस सी की जगह पे भी हम रख सकते हैं क्या 2s माइनस बी और एक बी मैं पहले से वहाँ पे, ठीक है इतना आ गया। अच्छा ये डेल्टा दिया गया है तो हम डेल्टा को अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो डेल्टा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा की जगह पे हम लिख सकते हैं अच्छा tan a चाहिए हमको ना, ठीक है तो डेल्टा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या s इंटू s माइनस a, रूट होता नहीं है, रूट के अंदर हो जाएगा कितना हो जाएगा रूट के अंदर s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी इक्वल टू, देखिए टू ये हो जाएगा 2s माइनस टू सी और ये हो जाएगा 2s माइनस टू बी, दोनों जगह से दो दो कॉमन लेंगे चार आ जाएगा और ये आ जाएगा एक s माइनस सी और दूसरा क्या आ जाएगा s माइनस बी, दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए तो आ जाएगा s, या छोटा सा काम किया जाए वर्गी कर दो, वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करेंगे तो आ जाएगा s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू फोर इंटू ये हो जाएगा s माइनस सी का स्क्वायर और s माइनस बी का स्क्वायर और 4 का 16 हो जाएगा ना, वर्ग कर रहे हैं 16 हो जाएगा ये, अब जो कट रहा है उसे काट दिया जाए तो देखिएगा s माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ये s माइनस बी कट जाएगी s माइनस सी कट जाएगी ये कट जाएंगी, एक एक घाते हमारे पास बचेंगी, अब ये आ जाएगा हमारे पास s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई आ जाएगा कितना एस माइनस सी और एस माइनस बी इक्वल टू कितना 16। अच्छा अब ये टेन ये वैल्यू होती, अगर रूट लगा होता तो टेन ए की वैल्यू होती है, टेन ए बाई टू की वैल्यू होती तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, टेन स्क्वायर ए बाई टू की, टेन स्क्वायर ए बाई टू की, रूट नहीं लगा ना इसलिए स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है रूट लगा होता अगर इसी में रूट लगा होता तो किसकी वैल्यू हो जाती, फिर वो टेन स्क्वायर टेन ए बाई टू, तो स्क्वायर के लिए लिया हमने 16, वर्ग ले लो वर्गमूल ले लो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा ये था हमारे पास एस माइनस सी था, ठीक है एस माइनस बी था काट दिया हमने उधर एस माइनस बी बचा तो अब आ गया हमारे पास वैल्यू जो आई
भाई ये सूत्र बन गया हमारा साइन का। अहो ये उल्टा हमने लिख दिया, ये साइन नहीं, ये बन रहा है कॉट का, ये कॉट का बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है हमारा कॉट स्क्वायर ए बाई टू बना, ये कॉट का सूत्र होता है, एस इंटू एस माइनस ए, ऊपर कॉस है ना, तो ये कॉट का होगा, कॉट स्क्वायर ए बाई टू। तो यह यहाँ से आ गया हमारा कॉट ए बाई टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा चार। तो हम टेन ए बाई टू यहाँ से निकालेंगे तो टेन ए बाई टू बराबर आ जाएगा एक बटे चार। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेन ए, टेन ए बराबर सूत्र क्या होता है, टू टेन ए बाई टू बटे में वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, टू इंटू टेन ए बाई टू एक बटे चार हो जाएगा, बटे वन माइनस एक बटे सोलह हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दो बटे चार गुणे आ जाएगा सोलह बटे पंद्रह, काट दिया जाए तो ये चार आ जाएगा, है ना, चार दूनी आठ बटे पंद्रह, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टेन ए की जो वैल्यू होगी वो आठ बटे पंद्रह होगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3x प्लस 4y, और ये किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं हमको। एक बात इन्होंने बोला है कि x का है x और जो y है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो हैं, x और y के जो मान है वो क्या है, जीरो से बड़े हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया जीरो से बड़े मान ले लिया हमने, और देखते हैं तीनों भुजाएँ क्या क्या आ रही हैं। देखिएगा ये क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, तो भाई x का मान 1 लो तो आ जाएगा 3 प्लस y का मान 2 लेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 11। फिर अगली वाली भुजा देखा जाए क्या है, अगली भुजा है हमारी 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 4 10 हो जाएंगे, है ना, तो 10 हो गए। फिर आगे ये 4x प्लस 3 है ना, 4x ये है, y का मान हमने 2 लिया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो गया भाई, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तो 6 4 10 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया 5x प्लस 5y अगली है भुजा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी भुजा देखा जाए कौन सी है, तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग किया जाए, है ना। दो चीज़ें होती हैं कि अगर मान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, वो बड़ी है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो इस कंडीशन में अधिक कोण त्रिभुज होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है, छोटा है, है ना, वो किससे छोटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इस कंडीशन में ये हमारे पास होगा न्यून कोण त्रिभुज, है ना, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो इस कंडीशन में इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी समकोण त्रिभुज होता है, है ना, समकोण त्रिभुज होता है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला, सबसे बड़ी भुजा देखा जाए, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। अच्छा, और इसके बाद 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121 प्लस हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 221। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 221 है, 225 है जो, यानी कि सी स्क्वायर है, वो बड़ा है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और ऐसी कंडीशन को कौन सा त्रिभुज बनता है, इस कंडीशन में हमको बनता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण होगा, ये क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, यानी कि इसमें एक कोण क्या होगा, ऑप्टिव एंगल होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, मेरी बात समझ में आई ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, बराबर है तो सम कोण त्रिभुज होगा। आगे बढ़ेंगे साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 क्रा, यदि त्रिभुज ए बी सी के कोण समांतर श्रेणी में हो तो, अब बताइए अगर किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में होते हैं तो होता क्या है भाई, मान लीजिए कि कोण ए और कोण बी और कोण सी डॉट डॉट इन ए पी, अब ये समांतर श्रेणी में हैं तो कितना हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा a प्लस सी, तो भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 अंश,
तो ए प्लस सी की जगह पे अगर हम टू बी रख देंगे तो टू बी प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश, यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा बी इक्वल टू 60 अंश, है ना। बी कितना मिला 60 अंश। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला किसका, कॉस बी का। कॉस बी का सूत्र क्या होता है, वो होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी ए। कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान टू सी ए। टू से टू को काट दिया जाए यानी कि ये आ जाएगा सी ए इक्वल टू कितना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ ऑप्शन सभी बी स्क्वायर में दिए गए हैं, तो बी स्क्वायर वाला निकाल दो। तो अगर इसमें हम बी स्क्वायर को इधर ले आएँ तो इधर कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी ए। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा था कि 4R, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई थी कि अगर मान लीजिए कि ये इसने ऑप्शन दिया राइट एंगल का, तो हम एक बार राइट एंगल ट्राइंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करवा लेते हैं। हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि अगर सी का मान क्या हो भाई 5 ले लिया जाए, ठीक है, वो अगर सेटिस्फाइड कर गया तो मामला सेटिस्फाइड हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल हम बोल देंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल को पहले सेटिस्फाइड करवा रहे हैं। ये हो गया 5, ये मान लो जो सी कोड है तो ये हमारी सी भुजा हो जाएगी, ये ए कोड है तो सामने हमारी ए भुजा हो जाएगी वो 3 हो गई, और ये बी भी जब बी कोड है तो ये बी भुजा हो जाएगी और बी हो गया 4, ठीक है। हम इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं, आपको पता है कि इसका और परिवृत्ति की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई 5/2, क्योंकि कर्ण का मध्य बिंदु होता है परिकेंद्र, कर्ण का मध्य बिंदु होता है परिकेंद्र, तो यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। व्यास हो गया है पूरा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी यानी कि कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। रखते हैं यहाँ पे, ये अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे, नहीं होगा तो फिर सोचेंगे, फिर नॉर्मल लगाएंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा ये आ गया 8, आर की जगह पे हमें क्या रखना है, आर की जगह पे रखना है 5/2 यानी कि ये आ जाएगा 25/4 बराबर। इधर कितना आ गया ए स्क्वायर, ए का कितना हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 8, ये हो गया 25 × 50, और ये कितना हो गया 16 × 9 = 25, 25 + 50, है ना, दोनों 50 हो गया ना। ये संतुष्ट कर रहा है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 66 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, कह रहा है कि साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू इतना दिया गया है। अच्छा अब हमको एक बात पता है कि क्या बात पता है, हमको बात ये पता है कि इस दौरान अगर कोणों में अनुपात दिया गया है तो यही क्या होता है हमारा, ये होता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, है ना। साइन रूल क्या कहता है, ज्याओं में अनुपात और भुजाओं में अनुपात दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी वही आ गया हमारा 1/2 / 3। अच्छा अब देखिए इन्होंने बी को बनाया है कितना 2, बी का अनुपात जो है 2 और ए का क्या है 1 और सी का क्या है 2। हमें एक काम करना है, पेरीमीटर तो निकालना है, लेकिन देखिए यहाँ बी का उन्होंने मान दिया है ना। अब क्वेश्चन में बी का मान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बी का मान दिया था, बी इक्वल टू कितना दिया था 4, है ना, इसी साथ में और दिया था क्या बी इक्वल टू 4, हमको बी की वैल्यू 4 दी गई है। अब देखिए अब अगर हम थोड़ा सा काम करें, है ना, तो ए बराबर हमको के मिल सकता है, ए बराबर के, बी बराबर 2k, सी बराबर ये 3 है 3k, ठीक है। अब देखिए बी का मान 4 दिया है हमको, यही रख लो 4/2k, तो यहाँ से 4/2k यानी कि k बराबर कितना आ गया 2 आ गया, k का मान कितना आ गया साहब 2 आ गया। अच्छा हमको निकालना क्या है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है k प्लस 2k प्लस,
थ्री के, तो कितना हो जाएगा ये छः के हो जाएगा। तो छः गुणे के का मान कितना है दो, छः दूनी कितना हो जाएगा बारह, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़सठ का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि अड़सठ। अड़सठ में कह रहा है कि साइन ए साइन बी माइनस सी। देखिए साइन ए की जगह पे हम ये रख सकते हैं, हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है पाई, तो ए की जगह पे हम रख सकते हैं साइन बी सॉरी पाई माइनस बी प्लस सी, है ना। तो रखिए भाई, तो ये बन जाएगा साइन 180 माइनस बी प्लस सी यानी कि साइन बी प्लस सी, यानी कि ए की जगह पे बी प्लस सी आ जाएगा इनटू साइन बी माइनस सी, ये हो गया बी प्लस सी, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे साइन सी है ना, साइन सी की जगह पे हम रख सकते हैं ए प्लस बी। भाई यहाँ पे 180 माइनस ए प्लस बी रखोगे तो 180 माइनस थीटा, वो साइन थीटा के ही बराबर होता है, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, और ये इनटू में आ गया साइन ए माइनस बी। अच्छा ये कितना हो जाएगा साइन साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, ये सूत्र हो जाता है किसका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा साइन बी की जगह पे हम बी के रख सकते हैं, सी की जगह पे सी के रख सकते हैं साइन सी की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दिया जाए, यानी कि आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर बी, यानी कि टू बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में हो जाएंगे, ए पी में हो जाएंगे, है ना, किस में हो जाएंगे ए पी में हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होंगे ए पी में, यानी कि अड़सठ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69 में हमसे कह रहा है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी पूरी, है ना, कि ये कहानी फिर से एक बार हम आपको दोहरा देते हैं क्योंकि काम आएगी इस कहानी को, राइट एंगल ट्रायंगल में लेके चलिएगा। हमने आपको अभी एक दो बातें बताई थी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है R1 दिया गया है, तो R1 बराबर होता है 2R2 बराबर 3R3, ठीक है। प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालेंगे इनकी तो राशा कितना आएगा, दो और तीन का छः आएगा, छः से सब में भाग देंगे तो यहाँ से हमको मिलने वाला है कितना, R1 इक्वल टू मिल जाएगा 6, R2 इक्वल टू मिलेगा 2 3 6 3 और R3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। ये मिल गया वैल्यू हमको, R1 मिल गई, R2 मिल गई, R3 मिल गई। अच्छा यहीं से शुरुआत होती है एक नई कहानी की जिसे जानना है हमको। देखिएगा C, C का मान हो जाएगा 3, भुजा C जो हो गई वो 3 हो जाएगी, और भुजा B जो है C के बाद B आएगा, बी जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 4, और जो ए हो जाएगी वो ए हो जाएगी 5। ये हम एक समकोण त्रिभुज की कंडीशन से लेके चल रहे हैं, है ना, जिसमें आर वन आर टू आर थ्री का जो रेशियो होता है ये होता है, यानी कि आर वन 6 होती है, आर टू 3 होती है, आर थ्री 2 होती है। भुजाएं हमारी हमारे सामने हैं और जो इसकी कैपिटल आर होगी वो कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, कैपिटल आर 5/2 होती है, और स्मॉल आर जो होती है वो 1 होती है, अभी हमने निकाला भी था डेल्टा पान इससे, ठीक है। और R1 R2 मिल ही गया है आपको पहले से ही, सब कुछ मिल गया, कूट पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देखिएगा और S जो होता है डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा भाई समकोण त्रिभुज है तो 4 और 3 12 यानी कि 6 हो जाएगा, और S भी हो जाएगा इसका 6। ये आता जहाँ जहाँ काम आएगा सब जगह काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देखिएगा 1/R1 + 1/R2 ये ऐसे करके दिया गया है, हाँ तो हम इस डेटा का भी इस्तेमाल करके इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका भी, इसका नॉर्मल तरीका भी बहुत आसान हो सकता है। 1/R1 है ना, आर वन बराबर क्या होता है डेल्टा अपान एस माइनस ए, इस ब्रैकेट में आ जाइए तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा अपान एस माइनस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं एस माइनस ए बटे डेल्टा प्लस एस माइनस बी बटे डेल्टा, ये हो जाएगा, और फिर हो जाएगा एस माइनस बी बटे डेल्टा प्लस एस माइनस सी बटे डेल्टा, और फिर ये आ जाएगा एस माइनस सी बटे डेल्टा प्लस
एस माइनस ए बटे डेल्टा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे डेल्टा एलसीएम आ जाए आ गया, ये डेल्टा आ गया एलसीएम, ये आ गया एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, तो 2s माइनस ए माइनस बी, 2s की जगह पर रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो a माइनस का a माइनस का b कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ c बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ भी बचेगा a, बचेगा a बटे डेल्टा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा b बटे डेल्टा, ठीक है भाई। चलो सबका मल्टीप्लाई कर लिया हमने, वो कितना आ गया ए बी सी बटे डेल्टा क्यूब, डेल्टा क्यूब। अब r के साथ रिलेशन होता है ना, डेल्टा क्यूब तो हो गया, लेकिन अब आर के साथ रिलेशन निकाल लिया जाए। अच्छा ए बी सी, अच्छा ए बी सी नहीं आ रहा ऑप्शन में, तो देखिएगा आर बराबर हमने रिलेशन पढ़ा है क्या, ए बी सी अपान फोर डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए बी सी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, चार डेल्टा आर रख लिया जाए, तो ए बी सी की जगह पर हम रख सकते हैं चार डेल्टा आर बटे डेल्टा क्यूब, एक डेल्टा काट देंगे तो ये आ जाएगा चार आर बटे डेल्टा स्क्वायर, तो 69 का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलेगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, देखिएगा 70 में कह क्या रहा है, हम 70 में फिर से हम वही आपको बता रहे हैं, आपको शुरू करना है आर वन आर टू होता है क्या हमारा टू आर थ्री, अब तो वैल्यू याद होनी चाहिए ना, अब आर वन की वैल्यू कितनी ले लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल लिया एक हमने, है ना, R1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 6 मिली थी, R2 का मान कितना मिला था, 3 मिला था, R3 का मान कितना मिला था, 2 मिला था, अच्छा R1 R2 R3, और यहाँ पे जो हमको A मिली थी, A मिला था 5, B मिला था 4, C मिली थी 3, ठीक है, और डेल्टा जो मिला था, डेल्टा मिला था 6, कैपिटल R मिला था 5/2, और S भी मिला था 6, ठीक है। ये इतनी वैल्यू तो याद ही रहेंगी, सब दो चार बार करोगे सब याद हो जाएगा अपने आप। अब देखिएगा पहले जिसकी वैल्यू निकालनी वो निकाला जाए, क्या लाना है, तो यह आ गया b माइनस सी बटे आर वन प्लस सी माइनस ए बटे आर टू। भाई ये समकोण त्रिभुज को अगर सेटिस्फाइड करेगा तो सबको सेटिस्फाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो एक त्रिभुज ही है। चलिए b माइनस सी, तो b कितना दिया गया है हमको, b दिया गया है 4 और ये दिया गया है 3, है ना, तो दोनों को घटा लिया जाए तो कितना आएगा 1 बटे आर वन, R1 का मान है हमारे पास 6 प्लस C माइनस A, C है 3 और ये, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बटे R2, R2 हो जाएगा 3 प्लस A माइनस B, तो A माइनस B कितना आ जाएगा, A कितना है 5 और ये कितना है 1, तो 1 आ जाएगा, 1 बटे कितना, बटे में आ जाएगा R3, R3 का मान कितना है 2, LCM ले लीजिए, LCM में कितना आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा, दो तैयार 6, कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 बटे 6, कितना आ गया 0 बटा 6, मतलब कितना आ गया 0, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 में ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, 71 में हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, वो लिखा हुआ है ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू, ए को तो चुपचाप रहने दीजिए, और इस कॉस है ना, तो कॉस में क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी ए, ए बी या बी ए प्लस सी इंटू एस माइनस ए अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी, यानी कि बी सी इक्वल टू आ जाएगा ये 3/2। अब एक छोटा सा काम करना है हमको, देखिएगा इस ए से ये ए काट देंगे और इस सी से ये सी काट देंगे, बी एल सी एम आया, बी एल सी एम आया, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, देखिएगा ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, या चाहे तो एस ले लो कॉमन, देखो एस ऊपर से कॉमन आ जाएगा, है ना, एस ऊपर से कॉमन लेंगे तो देखिए एस ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b/2, ठीक है। अच्छा ये हो गया s बटे b, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस a माइनस c, 2s की जगह पे रखोगे a प्लस b प्लस c, तो सिर्फ b बचेगा यहाँ पे, b बराबर कितना आ जाएगा 3b/2, तो अब कितना हो जाएगा ये, हम चाहें तो जो इसमें ये वाली b है ये वाली b को काट देगा, है ना, आराम से काट देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
चलिए अब कितना आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 3b, 2s इक्वल टू कितना आ गया 3b, एक ही जगह पर रख दीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b, एक भी जाके उधर घटा दीजिए तो a प्लस सी बराबर आ जाएगा 3b, यानी कि 2b बराबर क्या आ गया a प्लस सी। इस मीन्स क्या है, ए बी सी किस में है, ए पी में है, किस में है, ए पी में है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 का जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। बहत्तर में कह रहा है कि अगर ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, देन द वैल्यू ऑफ आर वन, हमें आर वन की वैल्यू चाहिए। 72 ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इस त्रिभुज का भाई आर वन है ना, आर वन बराबर हमारे पास सूत्र है, क्या होता है, डेल्टा अपान एस माइनस ए, डेल्टा अपान एस माइनस ए। तो डेल्टा का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तो एस पहले निकाल लिया जाए। एस बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे कितना आ जाएगा, 2 है ना, कितना हो जाएगा, 14 42 21 आ जाएगा एस। तो डेल्टा बराबर सूत्र क्या होता है, डेल्टा बराबर हमने सूत्र पढ़ा एस, तो 21 हो गया इंटू एस माइनस ए, 21 माइनस 13 का मतलब 8 है ना, फिर 21 माइनस 14 यानी कि 7, फिर 21 माइनस 15 यानी कि, अरे 21 माइनस 14 हो गया तो वो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 7 ही तो आएगा ठीक है, और ये 6 आ जाएगा, 21 माइनस 15 15 6 21 ठीक है, कैलकुलेट किया जाए इनको, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3, और 8 को देखो ये वाला 2 लगा लो, 16 लिख दीजिए, और ये 7 को चुपचाप रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए एक 3 बचा हमारे पास, 2 × 3 6 था ना, 2 हमने इसके साथ एडजस्ट कर दिया ठीक है, वर्गमूल लेंगे 7 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा निकल के, और कौन 16 का 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 17 21 64 है ना, डेल्टा कितना आ गया 84। आ जाओ इसके पास, रखते हैं वैल्यूज को, पुट किया जाए, डेल्टा कितना आ गया 84 बटे एस माइनस ए, तो आ गया 21 माइनस 13, तो ये आ जाएगा 84 बटे 21 में 13 घट गए तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, काट दिया जाए, 8 × 8 8 × 8 8 8 0 0 दशमलव लगाएंगे, 8 × 5 = 40 भाग नहीं जाएगा ना, 10.5 आ जाएगा है ना, कितना एरिया आ जाएगा, 10.5 यूनिट स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 72 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 73 यानी कि 73 में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये होता है कॉट स्क्वायर ए बाई टू, कॉट स्क्वायर बी बाई टू, कॉट स्क्वायर सी बाई टू, ये था ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा इसी को कैलकुलेट करते हैं, हम इसी को कैलकुलेट करते हैं, यहीं से उठाते हैं, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब को तो चुपचाप रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर ए बाई टू है ऊपर कॉस है, ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा एस माइनस सी एस माइनस ए। ये आ जाएगा एस माइनस सी और एस माइनस ए, सी बाई टू के पास आएंगे एस इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई आ जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी, जो कट रहा है उसे काट दिया जाए। देखते हैं यहाँ पे एस माइनस बी को एस माइनस बी से काट दीजिए, एस माइनस सी को एस माइनस सी से काट दीजिए, एस माइनस ए को एस माइनस ए से काट दीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया आर की पावर 3, और देखिए ऊपर कितना हो गया एस इंटू एस इंटू एस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एस 3 एस की पावर 3 बटे कितना आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए एस से, ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आर की घात 3 एस की घात 4 बटे नीचे देखिए डेल्टा बन गया, वो भी डेल्टा का स्क्वायर है, ये डेल्टा स्क्वायर है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसे बन जाएगा। अच्छा अब एक काम करते हैं यहाँ पे छोटा सा है ना, देखिएगा यहाँ करेंगे क्या, ये हमारा हो गया डेल्टा क्यूब
एक छोटा सा काम करेंगे, आर क्यूब हो गया, एस की पावर 4 हो गया ये, हम डेल्टा की जगह पे रख सकते हैं क्या? डेल्टा बराबर क्या होता है भाई? हमने पढ़ा है आर बराबर पढ़ा डेल्टा अपान एस, और अगर डेल्टा रखें तो डेल्टा की जगह पर हम आर और एस रख सकते हैं, रख दिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा आर की एस की पावर 4 बटे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आर स्क्वायर एस स्क्वायर, कैलकुलेट किया जाए दोनों काट दिया जाए तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमने क्या किया भाई डेल्टा की जगह पे हमने रख लिया, ठीक है आर और एस ले लीजिए या यहीं रहने दीजिए, यही कर लीजिए, क्या था आर क्यूब थी, ये हो गया हमारे पास आर क्यूब, ठीक है आर क्यूब, आर क्यूब बटे एस की पावर 4 था, वो एस की पावर 4 आया था हमारे पास, है ना। अच्छा तो हमने क्या किया, क्या किया, क्या था, नीचे आ गया डेल्टा स्क्वायर, नीचे का डेल्टा स्क्वायर हो गया, एक काम करते हैं यहाँ पे डेल्टा की जगह पे एस आर ही रख देते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा आर क्यूब और ये एस की पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा की जगह हम रखेंगे आर एस, यानी कि आर स्क्वायर एस स्क्वायर, आर स्क्वायर एस स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा भाई ये आर बचेगा ऊपर एस स्क्वायर बचेगा, है ना, आर और एस स्क्वायर बचेगा, ठीक है ये तो डेल्टा स्क्वायर ही होगा ना, एस इंटू एस माइनस से ऊपर एस हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये हो गया एस की पावर में हो जाएगा कितना आर क्यूब हो गया और एस क्यूब था तो एस की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा फिर देखते हैं आगे, ये आर इंटू एस क्यूब हो गया हमारा, हमने काटा इसको यहाँ पे डेल्टा की जगह पर हमने रखा था आर एस, भाई आर बराबर डेल्टा पान एस होता है, तो हमने डेल्टा की जगह पर रख दिया आर इंटू एस, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर काट दिया तो ऊपर कितना बचा, आर की घात है कितनी बची 2, तो आर डेल्टा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसे कन्वर्ट करना चाहें तो डेल्टा इंटू एस रख सकते हैं, आर की जगह पर रख दीजिए, आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से डेल्टा अपान एस, तो ये आ जाएगा डेल्टा अपान एस इंटू एस स्क्वायर, ये कट जाएगा यानी कि कितना आ जाएगा डेल्टा एस, तो यहाँ से डेल्टा एस आ गया। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बाई ऑप्शन सी उठा लीजिए, सभी ऑप्शन को लेके कर सकते हैं लेकिन सी वाले को हम कर रहे हैं, सी वाले से हमको ज़्यादा उम्मीदें हैं, आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है चलिएगा। आर वन कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेल्टा पान एस, डेल्टा पान एस माइनस ए, डेल्टा पान एस माइनस बी, डेल्टा पान एस माइनस सी। एक काम करते हैं ऊपर हम क्या करें, ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा डेल्टा की घात 3, अच्छा ये डेल्टा की घात 3 हो गया, एक एस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी कि नीचे बन गया डेल्टा स्क्वायर, तो देखो काट दिया जाए इसको, एक डेल्टा ऊपर बचेगा नीचे एस, डेल्टा एस यहां पे आ रहा था हल करने पे, डेल्टा एस यहां भी आ रहा है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा दूसरा तरीका भी था इसे करने का, है ना, हम उसको ट्राइंगल वाले मेथड से भी कर सकते थे, राइट एंगल ट्राइंगल वाले मेथड से भी इसको हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, हम यहीं पे वैल्यू रख देते सब और कैलकुलेट कर लेते, ये जो आता वही यहाँ पे आता, वही सेम यहाँ पे आता, आर वन इंटू आर थ्री, आर वन का वैल्यू 6, आर टू का वैल्यू 3, आर थ्री का वैल्यू 2 रखने पे, है ना, वही सेम आता है यहाँ भी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि इन्होंने 74 दिया, 74 क्वेश्चन नंबर दिया है, आर स्क्वायर कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू, ये उन्होंने दिया है, करते हैं इसको, आर स्क्वायर आर की घात 2 इंटू कॉट ए बाई टू का मतलब हो गया कि आपके पास एस है एस माइनस ए बटे, डिवाइड में आ जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी इंटू, ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी और डिवाइडेड बाई एस माइनस ए और एस माइनस सी इंटू, ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए और s माइनस बी, काट लिया जाए जो कट रहा है, जो बचेगा उसके बारे में सोचेंगे भाई, s माइनस बी को s माइनस बी से काट दिया जाए, s माइनस ए को s माइनस ए से काट दिया जाए, s माइनस सी को s माइनस सी से काट दिया जाए, बचा क्या हमारे पास, एक तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू भाई ये एस क्यूब हो गया, है ना, कितना हो गया एस क्यूब, एक s का ऊपर और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एस का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करेंगे तो नीचे देखो क्या हो जाएगा, एस इंटू एक ऊपर नीचे एस का मल्टीप्लाई किया हमने तो एक एस ऊपर है, नीचे वाला क्या हो गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी कि ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, क्या बनेगा डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा डेल्टा की जगह पर हमने पढ़ाना आर बराबर पढ़ाना क्या होता है, डेल्टा रहने दो, छोड़ो 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 कोई दिक्कत नहीं, अब देखिएगा ये आर स्क्वायर है ना,
ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डेल्टा की घात में कितना हो जाएगा हमारा, ओ रूट भी लगा हुआ है, रूट लगेगा ना इनमें, सब में रूट लगेगा, स्क्वायर थोड़ी है भाई, रूट भी लगेगा। ठीक है रूट लगा लो, इसमें रूट लगा लीजिए, ये रूट हो गया मामला, उतने रहेगा रूट के अंदर हो गया बस। आर स्क्वायर इंटू एस की पावर 4 है तो एस स्क्वायर हो जाएगा, अपान नीचे कितना हो जाएगा डेल्टा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं आर एस, आर एस बटे डेल्टा, ऊपर स्क्वायर हो गया। अच्छा डेल्टा इसकी जगह पर हम डेल्टा स्क्वायर रख सकते हैं, बटे डेल्टा कितना आ गया डेल्टा। क्यों रख सकते हैं भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर बराबर क्या होता है डेल्टा अपान एस, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा आर इंटू एस, आर एस की जगह पर क्या रख दिया हमने डेल्टा, तो डेल्टा स्क्वायर बटे डेल्टा, एक डेल्टा बचा, यानी कि 74 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, ये लिखा हुआ है 2ab बटे a प्लस बी, ठीक है रखते हैं इसको, सारी वैल्यू पुट किया जाए आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये आ जाएगा 2abc बटे में क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी, और रूट के अंदर देखिए सभी आ जाएंगे चुपचाप, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए बटे में क्या होता है बी सी इंटू कॉट बी बाई टू, सॉरी कॉस बी बाई टू, तो आ जाएगा एस माइनस का बी बटे में आ जाएगा हमारा ए सी, और ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी बटे में आ जाएगा सी हो गया ना ए बी। ठीक है देखिएगा यहाँ पे एस इंटू एस इंटू एस कई बार आ चुका है ना, 1 2 3 4। ठीक है अब अगर हम एक एस को निकाल दें, ठीक है ये आ गया 2abc बटे में आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, एक s इंटू एस को हम निकाल देते हैं, हमने एक s निकाल दिया और यहाँ बचा क्या, देखो रूट के अंदर बचा s, ऊपर s, s माइनस ए एस माइनस बी वो डेल्टा हो जाएगा, नीचे देखो ऊपर का हमने हिसाब कर लिया भाई, s को हमने s की घात 3 था, एक s एडजस्ट कर दिया डेल्टा के साथ और s स्क्वायर का हम s निकाल दिए, तो जो डेल्टा के साथ s एडजस्ट हुआ वो रूट के अंदर रहा, रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वो डेल्टा के बराबर होता है, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, नीचे से आ जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी को ए बी सी से काट दिया जाए, और अब क्या रखा जाए भाई ये हो जाएगा 2s इंटू डेल्टा बटे a प्लस बी प्लस सी, तो भाई 2s की जगह पे हम रख देंगे 2s इंटू डेल्टा बटे ये है हमारा 2s, 2s से 2s काट दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है 2s है ना, परिमाप होता है परिमाप, तो डेल्टा आ गया। 75 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमने कंप्लीट किया यूनिट टेस्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट चलेगा। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, हो सकता है कुछ नया हो, नहीं होगा तो प्रैक्टिस तो होगी ही, चलेगा। करिएगा इसे बढ़िया से, अपना प्यार और आशीर्वाद इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर उतारिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।